नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये जो टॉपिक है, एक्चुअली ये एक बुक है जो लिखी गई थी ST कॉलरिज के द्वारा सन 1817 में। ये दो वॉल्यूम में लिखी गई है और इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं। तो जो ये बुक है, ये ST कॉलरिज की एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जो कि उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी है ये उनकी। शुरू में उन्होंने ये कुछ पोएम्स लिखी थी उस टाइम पर सन 1817 में, और उसका एक प्रीफेस वो लिखना चाहते थे। तो वो प्रीफेस लिखते लिखते उन्होंने उस प्रीफेस को इतना बड़ा लिख दिया कि वो उसमें अपना ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी डाल दिया, फिलोसफी भी डाल दी, रिलीजन भी डाल दिया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी डाल दिया, और वो एक काफ़ी बड़ी बुक बन गई जिसमें 23 चैप्टर्स हैं। और वो जो कलेक्शन ऑफ पोएम था जिसके लिए वो प्रीफेस लिख रहे थे, उसका नाम था सिबिलाइन लीव्स। तो पहले वो जो ये बुक है, इसमें शुरुआती जो कुछ जो चैप्टर्स हैं उसमें अपनी जो बचपन की जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उनकी जो स्टडीज़ हैं उनके बारे में बताते हैं। जब वो एक जो ग्रामर स्कूल था जिसका नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल, उसमें उनके जो टीचर थे उसका नाम था जेम्स बोयर, उनके अंडर जो उनकी एजुकेशन हुई उसके बारे में लिखते हैं कि उस टाइम पर जो उनकी वहाँ पर एजुकेशन हुई उसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल एक तरह से नष्ट ही हो गई, क्योंकि उनका मानना था कि जो स्कूलों का जो ये स्ट्रक्चर है उस टाइम पर जो कॉन्टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर था वो क्रिएटिविटी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब वहाँ पर एक आपको एक लिमिटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। जो क्रिएटिविटी है वो स्कूल की दीवारों के अंदर नहीं बल्कि स्कूल के बाहर होती है, तो ऐसा उनका मानना था। इसके अलावा इस बुक में उन्होंने जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएट्री है जो उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में लिखी थी, उसका भी वो क्रिटिसिज्म करते हैं और थोड़ा उसके ऊपर लाइट डालते हैं कि वो उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये जो बुक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कई तरह के टॉपिक हैं। तो ये इतनी मिसेलेनियस है कि सन 1906 में एक आर्थर सीमंस नाम के राइटर क्रिटिक थे, उन्होंने कहा कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जुड़ी हुई सबसे महान बुक है और सबसे एनोइंग भी, यानी कि बहुत ही जो बंदे को इरिटेट कर दे। मतलब ये एक नॉन लीनियर फैशन में लिखी हुई है, मतलब कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ, कुछ एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक टॉपिक वाइज इसमें नहीं लिखा गया है, कोई टॉपिक आ गया फिर कोई दूसरा टॉपिक आ गया, इस तरह से लिखी गई है। तो इसमें जो जैसे कि कुछ तो ऑटोबायोग्राफी के अपने एलिमेंट के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया, उसके अलावा फिर वो एलिमेंट ऑफ पोएट्री के बारे में बताते हैं कि जो और जो पोएट होता है उसके जो गुड एलिमेंट क्या होते हैं। पोएट्री का सबसे अच्छा एलिमेंट जो होता है कि सस्पेंस, उसके बारे में उन्होंने बताया है, और जो जो क्रिएटिविटी होती है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है कि मतलब क्रिएटिविटी के बारे में बताया है उन्होंने, इमेजिनेशन के बारे में बताया है उन्होंने, बताया कि इमेजिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी इमेजिनेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन के अलावा एक और चीज़ होती है फैंसी, तो फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में उन्होंने इस बुक में बताया है। इसके अलावा उन्होंने सबसे एक जो अलग चीज़ बताई है वो है एक नया उन्होंने टर्म कोइन की थी जिसका नाम है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का, जो ये कंसेप्ट था उसके बारे में उन्होंने बताया। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है। कि जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं या कहीं पर भी कुछ देखते हैं, अगर आप मतलब कि लॉजिक लगा के देखने लगोगे कि ये प्लॉट में कैसा हो सकता है, मतलब उस चीज़ को रियल से जोड़ने लगोगे, तो आप उस चीज़ का एंजॉयमेंट नहीं ले पाओगे। उनका कहना ये था कि जब कोई बंदा किसी मूवी को देखता है, उस टाइम पर खैर मूवी तो होती नहीं थी लेकिन जो ड्रामा होता था, या आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको बात कहें कि अगर आजकल जैसे आप देखते हो कि VFX जो टेक्नोलॉजी है उससे मूवी बनती हैं, तो अगर आप ये दिमाग लगाओगे कि ये तो भाई टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, और आप जब तक कैरेक्टर्स में घुसोगे नहीं या उस मूवी में या ड्रामा में घुसोगे नहीं, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये होता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, मतलब आपको उसके अंदर घुसना है और जो अपना लॉजिक है वो बाहर ही छोड़ देना है, तभी आप उसके साथ अटैच हो पाओगे। इसके अलावा उन्होंने जो अर्ली रोमांटिक मूवमेंट था, जो क्योंकि जो अर्ली रोमांटिक मूवमेंट था वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने ही स्टार्ट किया था, उसमें जो प्रीडोमिनेंट थीम्स थे उनके बारे में बताया है, और जो बताया कि जो नेचर होता है वही एक चाइल्ड का टीचर होता है, मतलब कि वही ह्यूमन स्पिरिट को एनकरेज करता है और पोएट्री लिखने के लिए मोटिवेट करता है। उनका कहना था कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ये जो स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं इनके अंदर बांधने से अच्छा है कि उनको बाहर एक फ्रीडम की स्पिरिट दी जाए, तभी वो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो अपना वो क्रिटिकल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देने के बाद वो फिर इवोल्यूशन ऑफ फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं टॉपिक को। वो कहते हैं कि पहले तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो डेविड हार्टले नाम के एक जो साइकोलॉजिस्ट थे
उनकी जो बातें थी उनसे सहमत थे, लेकिन वो बाद में वो उनसे असहमत हो गए थे। तो उनकी बातें डेविड हार्डले ने क्या कहा था कि जो नए आइडिया होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, कि जो पुराने आइडिया होते हैं उन्हीं के कम्बिनेशन से नए आइडिया बनते हैं। तो पहले तो कॉलेज इस चीज़ को मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, वो एक एक्टिव एजेंट है, ना कि पैसिव एजेंट। वो मतलब कि कुछ डाटा स्टोर करने की एक जगह नहीं, उसका जो प्राइम पर्पज डाटा स्टोर करना नहीं है, और जो स्टोर डाटा है उसी से एक नया डाटा बनाना नहीं, बल्कि रियलिटी को एक तरह से क्रिएट करना है। एक ऐसी चीज़ें जिनको हमने देखा भी नहीं है उसको ही इमेजिन कर लेना, वही हमारे ब्रेन का मुख्य काम होता है इमेजिनेशन के रूप में। जैसे कि आप देखते हैं कि जो सुपर, जैसे आपने अगर हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, उसमें कुछ जो ये कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, या आयरन मैन हो गया, ये सब मतलब, या मार्वल्स की जो मूवी होती हैं उसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि रियल में नहीं है, उनको इमेजिन किया गया है और फिर उनके बारे में स्टोरीज बनाई गई हैं। उसके बाद कॉलेज हैं जो इमेजिनेशन को एम्प्लास्टिक पावर का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि एम्प्लास्टिक पावर का मतलब ये होता है कि जिसके जरिए मतलब जो आदमियों की आत्मा होती है, ह्यूमन सोल होती है, वो यूनिवर्स को रा फॉर्म में देख पाए, एक स्पिरिचुअल यूनिटी के रूप में देख पाए। उसके बाद वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में कहना स्टार्ट करते हैं इस बुक में। तो वो वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हुए, उनकी पोएट्री को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि जैसे कि वर्ड्सवर्थ कहते थे कि वो कॉमन मैन की लैंग्वेज यूज करते हैं पोएट्री में, लेकिन उनका कहना था कि जो वर्ड्सवर्थ थे उनकी भी जो लैंग्वेज थी वो आर्टिफिशियल थी, क्योंकि वो भी एक कॉन्शियस थॉट के अंडर मतलब डेवलप हुई थी, ना कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। मतलब कि जब वर्ड्सवर्थ कुछ लिखते थे तो भी वो उसको मतलब रिफाइन करते थे, उसमें कुछ एलिमिनेट करते थे, तो वो एक प्योर मतलब कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं थी। हालांकि वो फिर वर्ड्सवर्थ को प्रेज करते हुए कहते हैं कि वो एक मतलब फाइनेस्ट ऑफ एक राइटर क्रिटिक हैं। वो कहते हैं कि उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्या थी कि वो किसी भी जो एक नेचुरल इमेज होती है, वो बिल्कुल सिंपल से सिंपल, उसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सुपर नेचुरल बना देते थे, उनके अंदर ऐसी स्किल थी। और वो वर्ड्सवर्थ का जो ये कहा गया था कि पोएट्री है वो कॉमन मैन की लैंग्वेज में ही लिखी जानी चाहिए, तो वो इस चीज को भी नकार देते हैं कि ये जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कि जो मतलब कोई भी आप लैंग्वेज लीजिए उसमें एक इनहेरेंट मीटर होता है, उसका एक अलग पोटेंशियल राइम स्कीम होती है। तो मतलब जितनी भी आप काइंड ऑफ डिक्शन यूज करेंगे, या मतलब डिक्शन का मतलब होता है कि वोकैबुलरी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप किसी भी टाइप का डिक्शन लीजिए, सबका एक अलग ही मतलब कह सकते हैं कि टेस्ट होगा, उनका एक अलग मीटर होता है, उनकी एक अलग राइम स्कीम होती है। और वो फिर मतलब एग्जांपल भी देते हैं कि जैसे कि वो वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स में से कुछ पार्ट उठा के कहते हैं कि देखिए ये बिल्कुल ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, इसको एक मतलब और अच्छे मेट्रिकल एक्सप्रेशन के साथ लिखा जा सकता था। तो दोस्तों ये था बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो उनकी ये बुक है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। ओके दोस्तों, बाय।